नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल ब्यूटीफुल पीपल, रेशमा डिज़ाइंस फील ब्यूटीफुल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जो मैं आपको डिज़ाइन बताने वाली हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है। ये एक्चुअली हमें सलवार के बॉटम में बनाना है, लेकिन मैंने सोचा जैसे सलवार में होगा वैसे ही मैं हाथ जो सूट का जो स्लीव होता है जो हाथ होता है उस पर भी बनाऊँ तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो दोनों ही मैं आपको आइडिया दूँगी कैसे करना है। तो यहाँ से मैंने 2 इंच और यहाँ से 2 इंच छोड़ दिया, क्योंकि 1.5 इंच सिलाई और 1/2 इंच का गैप होना चाहिए मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो ये करीब 12 इंच है, तो 12 इंच का हमें अभी क्या करना है, बुकरम कट करना है, जिसे हम पेपर या फ्यूजिंग कैनवस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखिए 12 इंच लिया है, पर चारों तरफ से आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि ये सेंटर पार्ट हम कट करेंगे, यह पूरा गैप होना चाहिए। तो यही डिज़ाइन है कि जो स्लीव है उसमें मुझे जो है करीब 2 इंच का गैप चाहिए, और उस गैप के अंदर हम डिज़ाइन करेंगे। तो गैप बनाने के लिए हम टर्निंग करेंगे पूरी फिनिशिंग के साथ में। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे से हल्का सा एक छोटा सा कट लगा लिया बीच में। देखो, अब यहाँ से मैं ये जो आप देख रहे हैं आउटर पार्ट, ये कट कर लूँगी। तो ये इस तरह से कट करने के बाद में हमने बीच में से जो कट लगाया था उससे बॉर्डर कट के 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा था वो रखा। फिर कपड़े पे स्टिक किया, तो कपड़े पर भी हमने 1/2 इंच छोड़ा हुआ है, कि ये 1/2 इंच हम इस तरह से फोल्ड करेंगे चारों तरफ से, और फिर इसको कपड़े के ऊपर प्लेस करके जहाँ पर भी आपको स्टिच करना, मैं यहाँ पे सिलाई दूँगी। इस पर मैं बताती हूँ, अब जैसे ये मेरा स्लीव है, इसके बॉटम में मुझे लगाना है। ठीक है, तो ये पहले से मैंने स्टिच कर लिया है नीचे से, जो स्टिचिंग कम करके इसे मैं आप रखूँगी सीधी तरफ। तो ये मेरे कपड़े का सीधा साइड है, तो यहाँ पर मैं 1 इंच का मार्किंग करते हुए यहाँ से हम 2 इंच मार्क कर लेते हैं, क्योंकि मार्किंग होगी तो चीज़ बिल्कुल एकदम सही जगह पर लगती है। यहाँ से हम इस फोल्ड से, ठीक है, ये जो स्टिचिंग आप देख रहे हैं यहाँ से ऊपर 1 इंच हमें लेना है, नीचे से नहीं, तो बहुत छोटा गैप होगा। तो यहाँ से मैं 1 इंच, तो ये समझ लीजिए 1.5 इंच का मैं गैप ले रही हूँ। सिंपल अगर मैं कहूँ तो 1.5 इंच का गैप ले लिया, यहाँ से 1.5 इंच मैंने मार्क किया है सब जगह पर। तो जैसे कि मैंने बताया, चारों तरफ से हमने जो हमने एक्स्ट्रा लिया ये सी लेंगे। उसके बाद ये जो मैंने मार्किंग की हुई है 1.5 इंच की, यहाँ से 2 इंच जो है यहाँ पे रखेंगे, ये ऑलरेडी यहाँ पे 2 इंच पे आ गया। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो है इसको हमने रखना है, ये जो 1.5 इंच वाली मैंने मार्किंग की है उसके ऊपर, इनको अच्छी तरह से सर से रख के, और फिर मैं आगे से सिलाई करके इसको पलट लूँगा। तो ये मैंने मार्किंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग कर ली, आप देखेंगे तो ये मैंने फोल्ड भी कर लिया है। अब दोबारा से ये जो मैंने सिलाई लगाई है, इस सिलाई से करीब 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए मैं दोबारा से कटिंग कर लूँगी। तो पहले पीछे से काट लेते हैं, सेम हमें चारों तरफ से कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग करना है। पूरा कपड़ा काट कर हम अंदर की तरफ इसको डालेंगे नहीं कर सकते। बाद में ये हमारा गैप बन गया है, तो अब मुझे अच्छे से टर्निंग हो जाए इसलिए मैं चारों कोने में कट लगाऊंगी इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अब अंदर लेते हुए हम पहले डाफ सिलाई देंगे, और डाफ सिलाई देने के बाद में हमें अंदर की तरफ इसकी सिलाई करनी है। तो ये फिनिशिंग के बाद में अब इस गैप को हमें यहाँ पर मैं पट्टियाँ लगाऊँगी काट काट कर। तो मैं कई सारी पट्टियाँ काट ली, इसे आपको बनाना कैसे है। और एक और फोल्ड, ठीक है, कैसे बनाएंगे, ये फोल्ड और एक बार फोल्ड करेंगे। ठीक है, कई सारी पट्टी बनाने में फिर उनको हम 3-3 इंच में कट करेंगे, क्योंकि हमारा गैप 2 इंच का और 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना पड़ेगा, तो 3-3 इंच की हम कट करेंगे। तो सेंटर में डिज़ाइन करने के लिए ये मैंने कागज़ लिया है लंबा सा, ये भी 3 इंच का है। ठीक है, अब इस पर मुझे कैसे लगाना है, ये सीधा है, एक तरफ से मैंने इसको सील लिया है ये तरफ से,
करके यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ऐसे पलटना है आपको, ये सीधा है ठीक है, इसको हमें इसे ऐसे पलटना है और बराबर गैप रखते हुए सीने में फिर से पलटेंगे। तो इससे ही इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। इसे मैं इस तरह से रखूँगी इस कागज़ को बराबर से और ये हम सिलाई लगा लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा बचेगा यहाँ पे उसको काट लूँगी और फिर दूसरे स्लीव में लगा लूँगी। इसलिए मैंने रेडी कर लिया अंदर से जो हमारी मार्किंग थी वो कर ली। एक और चीज़ मैंने इसे ब्यूटीफुल बनाने के लिए की है कि ये कपड़ा मेरा बचा हुआ था तो यहाँ पर बॉटम पर मैंने ये लेस की तरह ये कपड़ा लगाया दोनों स्लीव में, तो ये रेडी स्लीव्स है। तो जैसे ये स्लीव बनाई है वैसे ही सलवार का बॉटम बनाना है हमें, तो बाकी सब सेम होगा। बस मेजरमेंट कैसे लेना है मैं आपको बता देती हूँ। ये एक इंच का बॉटम हमने ऑलरेडी बना के रेडी कर लिया ठीक है। उस डिज़ाइन में हमें बॉटम पहले बना लेना, चाहे स्लीव हो या सलवार हो। उसके बाद यहाँ से मैंने 2 इंच लिया है क्योंकि बीच में मुझे 1 इंच का गैप चाहिए। तो यहाँ से मैंने यहाँ तक 2 इंच की मार्किंग की है पूरे उसमें। और उसके बाद फिर यहाँ साइड से ऐसे सीधा नहीं ले सकते इसको, हम तिरछा लेना पड़ेगा क्योंकि सिलाई तिरछी जाएगी, तो इसलिए यहाँ से 2 इंच और यहाँ से 2 इंच मैंने ले लिया। 2 इंच लेने के बाद में दोनों तरफ से मैं मेजर करूँगी कि ये कितना आ रहा है। तो ये करीब हो रहा है 21 इंच, यहाँ से यहाँ तक 21। तो सेम प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया था कि पहले हम 21 इंच का बुकरम कट करेंगे, उसकी जो भी होगी अंदर की सेम स्लीव की जैसी होगी 2 इंच ही होगी, फिर कपड़े पे स्टिक करना है, फिर पट्टी बनानी है और फिर उसको राउंड करते हुए पहले पेपर पे रेडी करेंगे और फिर इसके गैप में हम लगा लेंगे तो हमारी स्लीव भी रेडी हो जाएगी। इस सलवार का फाइनल लुक है जैसा मैंने स्लीव्स में बनाया है वैसा ही सलवार में भी बनाया हुआ है ठीक है। अगर आपके पास कोई लेस वगैरह है तो आप यहाँ लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाई क्योंकि उस कपड़े की नहीं बची थी और कुछ इसमें अच्छा लग भी नहीं रहा था तो सिंपल ही रखा हुआ है। तो ये पहनने पर काफ़ी अच्छा लगेगा अगर मतलब इसको पैरों में ऐसे पहनेंगे तो ये नीचे से एक अच्छा लुक देगा। क्या आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।